हाजिर हो चुकी हूँ मैं आपके दोस्त रंजीत कौर। जी हाँ, गर्मी का प्रकोप अभी से नजर आने लग गया है। उफ, आज ऑफिस आते हुए इतनी ज्यादा गर्मी लगी ना, बता नहीं सकती मैं आपको। जी हाँ, नया साल कब आया और नए साल के दो महीने कब खत्म हो गए, ये तीसरा महीना कब आ गया और सर्दियां कब चले गई ये पता ही नहीं चला। यू नो व्हाट, ये दुनिया इतनी जल्दी जल्दी भागी जा रही है और हम भी इतनी जल्दी जल्दी भागी जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कब शुरू होता है और रात कब खत्म हो जाती है। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपके दोस्त रंजीत कौर, जो एक बार फिर से ढेर सारी खबरों के साथ और ढेर सारी बॉलीवुड की गॉसिप्स के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। जी हाँ जनाब, ये तो सभी एग्री करते हैं ना कि भाई गर्मी आ गई है। जी हाँ, अभी ये तो गर्मी का ट्रेलर है, आगे आगे देखिए गर्मी क्या रंग दिखाती है। लेकिन आपको कहना चाहती हूँ कि गर्मी चाहे जितनी भी पड़े, गर्मी हो या सर्दी, पानी आपको हमेशा पीना चाहिए। और गर्मी में ना एक और काम करना बहुत जरूरी है, हम तो पानी पीते ही हैं, लेकिन जो हमारे पक्षी पशु होते हैं ना, इनको भी पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छा रहेगा कि आप भी इनके लिए अपने छतों पर या फिर घर के आंगन में या कहीं भी ऐसा लगे जहाँ पर पक्षी या फिर पशु आकर पानी पी सकते, तो ऐसा एक अरेंजमेंट जरूर कर लीजिए। लेकिन अभी से ही मैं आपको बता देती हूँ कि भाई हैप्पी हैप्पी समर। जी हाँ, समर आ ही चुका है। तो अभी बॉलीवुड गॉसिप्स की ढेर सारी खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताना चाहती हूँ कि भाई मैं एक और ऐसे शो के आने की न्यूज लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, यू नो व्हाट, कलर्स का एक बहुत ही ज्यादा खतरों वाला शो है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। बेशक उस शो को देखते हुए मैं डर जाती हूँ, लेकिन जनाब डरते डरते मैं इस शो को काफी ज्यादा इंजॉय भी करती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी स्टंट वाले शो की जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 बहुत ही जल्द आने वाला है। कहा जा रहा है कि जून जुलाई में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द आप सभी को खतरों के खिलाड़ी से रूबरू करवाया जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो अलग बात है कि भाई लास्ट ईयर इस शो को 3 महीने में ही खत्म करना पड़ा, क्योंकि कोरोना के चक्कर में और लॉकडाउन के चक्कर में इस जो शो को ज्यादा TRP नहीं मिली। लेकिन जनाब आपको बता देना चाहती हूँ कि एक बार फिर से खतरों के खिलाड़ी आने वाला है, मेरा फेवरेट रियलिटी शो। इस शो में खास बात यह है कि बिग बॉस 14 के दो कंटेस्टेंट्स कह दीजिए या फिर कपल कह दीजिए, जी हाँ, अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेक भी इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन में नजर आने वाली हैं। जी हाँ, पूरी तैयारियां की जा रही हैं इनको भी शो में लाने के लिए। तो देखिए ना, जब आएगा खतरों के खिलाड़ी, आप भी एंजॉय करना, मैं भी एंजॉय करूंगी। लेकिन 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 एंजॉय करते हैं हमारी अगली न्यूज को। जी हाँ भाई जनाब, करीना कपूर ने जब से अपने सेकंड बेबी को जन्म दिया है ना, सभी यही सोशल मीडिया पर आंखें खोल खोल कर देखते रहते हैं कि भाई करीना कपूर कब अपने न्यू बॉर्न बेबी की फोटो हम सबको दिखाएगी। लेकिन जनाब वो क्या है ना, तैमूर अली खान को जितना सोशल मीडिया के साथ टच में रखा था ना, उतना ही करीना कपूर ने ठान लिया है कि अपने इस छोटे से नन्हे से बच्चे को अभी मीडिया से थोड़ा सा दूर रखेंगे। लेकिन जनाब वुमेन्स डे के मौके पर करीना कपूर ने एक इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने छोटे से बेबी को गोदी में लिया हुआ है और वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि करीना कपूर ने बिल्कुल भी नहीं मेकअप किया हुआ, बिल्कुल ही सिंपल एंड सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। जी हाँ, बेबी का फेस तो अभी भी नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही वो बेबी का फेस भी रिवील करेंगी। लेकिन उन्होंने कैप्शन में जरूर ये लिखा है कि भाई ऐसी कोई भी नारी नहीं है जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। जी हाँ, ऐसी कोई भी नारी नहीं है जो कुछ भी नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, ये थी करीना कपूर की बेस्ट वाली पोस्ट जो कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर की है। लेकिन अभी के लिए एक और न्यूज आपको शेयर कर देती हूँ मैं। अक्सर आप सिद्धार्थ शुक्ला को शहनाज गिल के साथ देखते हैं, लेकिन जनाब शहनाज गिल के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला किन्हें मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं? जी हाँ, आपको बता देती हूँ। जी हाँ, इन दिनों सिद्धार्थ शुक्ला अपनी आने वाली वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 को लेकर काफी चर्चा में हैं। आपको बता देती हूँ कि ये शूटिंग बिल्कुल फुल ऑन फाइनल हो चुकी है, यानी कि शूटिंग हो चुकी है। अब शूटिंग खत्म करते ही सिद्धार्थ शुक्ला अपनी को एक्टर के साथ बाइक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी मेंशन कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, देखते रहिए SGV। बाय बाय।